बोले भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा आवाज नहीं निकल रहा है भाई आप लोग का, थोड़ा सा और तेज से बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णु दोसा जी जिंदाबाद, विष्णु दोसा जी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रेमनगर की इस पावन धरती में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय विष्णु देव साय जी का इस प्रेमनगर मंडल में और प्रेमनगर विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। इस सभा में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी सूरजपुर जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष परम सम्मान्य बाबूलाल अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व पाठ पुस्तक निगम के पूर्व चेयरमैन और छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में पूर्व कोषा अध्यक्ष सामान्य भीमसेन अग्रवाल जी इस मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर उपस्थित सामान्य हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष सामान्य राम कृपाल साहू जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला पंचायत सामान्य अजय श्याम जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सामान्य जगमोहन सिंह जी, सामान्य जय प्रकाश जी, सामान्य राम शिरोमणि साहू जी, सामान्य अज्जू अग्रवाल जी, सामान्य सुरेंद्र रजवाड़े जी, सामान्य लुल्लू गुप्ता जी और मंच में बैठे हमारे सभी मंचासीन अतिथिमान, दूर दराज से आए हुए हमारे सभी इस क्षेत्र के सभी सामान्य सियानमान, सभी हमारे युवा साथी, सभी माता बहने और समस्त यहाँ पर जो डिप्टी में लगे। मैं चुनाव होना है, इसी कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्मानीय विष्णु देव साय जी आप मन के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ के जनता को हमारे विष्णु देव साय जी की गारंटी और हमारे सम्मानीय मोदी जी का गारंटी की जो योजना था उस योजना को आप तक हमने भेजा है। निश्चित है मैं आप सबसे आशा और विश्वास करता हूँ कि हमारे इस गुजरात संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सामान्य चिंतामणि महाराज जी को आप सभी लोग आने वाले 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को दिल्ली में भेजना है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आप सब लोग को हमारी सरकार की यदि योजना आप तक पहुंचता है तो निश्चित आप सभी लोग झारो झार अपने मतदान केंद्र में कमल के फूल छाप में बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार हमारी कुर्सी में बैठाना है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आप सब लोग इस बार ज्यादा से ज्यादा जो विधानसभा में आप सब लोग ने जो मेहनत किया था उससे थोड़ा सा और चढ़ बढ़ करके आप सब लोग हिस्सा लें। निश्चित है हमारे विधानसभा क्षेत्र से चिंतामणि महाराज जी को 50 से 60 हजार का लीड दे करके आप सबका सहयोग से भेजना है ताकि हमारे सामान्य विष्णु देव साय जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया इस क्षेत्र के लिए आप सबके लिए कुछ न कुछ यहाँ करेंगे। निश्चित है मेरा मानना है कि आप सबका सहयोग चाहिए। अभी आप सबको पता है कि हमारे जो तारा से लेकर के कृष्णापुर तक का जो रोड 5 साल में हमारे खेल साय जी जो विधायक थे उन्होंने उनके द्वारा अभी तक नहीं बना पाए थे, इसको हमारे सामान्य प्रदेश के मुखिया सामान्य विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में 3 महीना में ये स्वीकृति हो गया है। जैसे आचार संहिता समाप्त होगा इसके बाद ये तारा से लेकर के कृष्णपुर तक का रोड आप सबको चलने का लायक डामरीकरण बन जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग इस बार जो हमारी मोदी जी की गारंटी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का गारंटी, आपको निशुल्क में चावल, निशुल्क में घर,
आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख परिवार के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि स्वीकृति हुआ है। इसी प्रकार हमारे माता बहनों को 1-1 हजार रुपया प्रत्येक घर में जा रहा है, प्रत्येक महीने माता बहनों के खाता में। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में मेहनत करके और पूरा अपने अपने पोलिंग बूथ को झाड़ो झार भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप में बटन दबना चाहिए और हमारे यहाँ से चिंतामणि महाराज जी को विजय बना करके भेजना है और दिल्ली में सम्मानीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में बनाना है। निश्चित है हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होगा, डबल इंजन का जब सरकार होगा, तो आप सबको जो योजना मिल रहा है इससे और चढ़ बढ़ करके हमारे मुखिया लोग देंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपन बाड़ी लय विराम करत हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद धन्यवाद माननीय विधायक जी। मैं विधायक बुलंद सिंह जी एवं माननीय बाबूलाल अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह